अबे क्यों बताते हो कि मैं सोते वक्त मेरा पिछवाड़ा मेरे सर पे आ जाता है, और तुम अबे तुम क्या करते हो सोते वक्त मेरी जिब खुल जाती है यार। सर पहले आपने ही बोला तो डिफरेंट क्या है। अच्छा मैं जाके एक बार चेक करके आओ पहले। तो कैसे हैं आप लोग? आज बात करूंगा मैं अपने याद बीती कथा के बारे में, जिसे आपको सुन के आप पे खड़े हो सकते हैं, आपका खड़ा हो सकता है रोंगटा रोंगटे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरा चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कुछ मार के जाना, और मुझे अच्छे से पता है ज्यादा से ज्यादा 150 व्यूज आएंगे। खैर छोड़ो इस बात को, रखते हैं हम साइड में और वीडियो शुरू करते हैं पिता टाइम का बाय। यार ये तो चश्मा गाइस कह रही ना कि कॉपीराइट लग रहा होगा, तो गाइस मैं अपना यूनिफॉर्म स्कूल के ड्रेस पहन के आ जा सकता हूँ, तो चल मिलते हैं फिर। तो कैसे हैं आप लोग? अबे अबे टिकटॉकर पहन के आते लेते हैं साले इतनी मोटी मोटी शर्ट। गाइस एक मिनट ये तो बस माय YouTube चैनल। तो आज बात करेंगे अपने आत्मकथा के बारे में जो मैंने यार मुझे छोड़ दी थी। तो यार मैं सोते वक्त अपने Instagram पे एक पोस्ट डाल गया था, व्हाट इज द डिफरेंट ऑफ माय स्लीपिंग ऑन माय खटिया। तो यार कुछ कमेंट्स आए जो मुझे दिल से हर्ट मतलब बहुत ज्यादा दिल पे लग गए यार। तुमको यार ऐसी कमेंट दिखा होगी यार कि देख के बोलेंगे क्या बात है यार। ये वाली कमेंट पढ़ो पहले आप, ये वाली अब ये वाली देखो। अरे यार किसका कौन नहीं खोलेगा जब यहाँ पे लिखी हो कि भाई आपके सोते वक्त पिछवाड़ा आपके सर में आ जाता है, और यार इधर देखो मतलब सोते वक्त आपके जिद यार। ऐसा ही मेरे अदनान भैया के साथ, भैया ऐसे ही एक अदनान नामक प्राणी के साथ भी हुआ, जिसे आपके देख के आपका रूप मतलब यार देखो अब ये वीडियो देख के तो मुझे नहीं लगता कि यार कोई भी हो या एक्स वाई जेड अगर वो वीडियो बनाता है तो यार अगर तुम उस पर लिख रहे हो कि यार इसका मिस्टेक बताओ, और अगर थगेस भाई ने उसे बता दिया कि इस वीडियो में ये प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो यार ये कौन सी बात है रात के 12-2-3 बजे तुम उसे फोन कर रहे हो और गाली दे रहे हो तुम्हारी माँ का ऐसा तुम्हारी बहन का वैसा मतलब कुछ भी बोल रहे हो ठीक है। तो ऐसे ही मैंने एक पोस्ट देखी थी, मैं दिखना चाहता हूँ आप। हाँ तो जैसे गाइस हम लोगों ने खोल लिया है और इसमें लिखा है अदनान 07DZ। तो हम लोगों ने खोल लिया और यहाँ पे लिखा है इन्होंने फिटनेस फ्रीक यूट्यूबर अदनान 07 जोस मैं कैसे बोलते हैं जोस में वही वाला जोस, और स्नैपचैट अदनान 07 मैनेज बाई माई क्यूके DM फॉर कॉर्डर प्रेसन। यही नहीं अभी और सुनिए, लॉलीपॉप मुंबई हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खैर छोड़ो अब ये सब तो हम लोग खोलने वाले थे नहीं। खैर भाई मैं दिखा रहा था, मैं आपको पोस्ट दिखा रहा था, तो ये है भाई साहब की पोस्ट जिसमें भाई साहब बोलते हैं कि हम गाली नहीं देते हम कुछ नहीं देते। तो इसमें देखो लिखा है नीचे जो लोवे पंगा कर दू माँ बहन #body #coolmind एडी लवर 307 फरहान खान फोटोग्राफी। खैर छोड़ो कमेंट्स चलते हैं। तो जैसा कमेंट्स लोगों ने खोले, पहली कमेंट आई है फेक फॉलोवर्स को दे दिए अब लाइक्स और व्यूज कहाँ से लाओगे। बिल्कुल सही बात बोली।
सब छोड़ो, दूसरे क्या बन सकते, थगे वन हाथ पड़ेगा तो पता चलेगा। देखो थगे से पंगा, अरे जा बे एक वीडियो तुमसे खेलनी आती, थगे भाई ने इतना हेल्दी हेल्थी ट्रस्ट करते हैं, और फेक फॉलोवर्स लाने से कुछ नहीं होगा, कुछ रियल में रियल लाइफ मन कुछ समझ में नहीं आया क्या, पर इतना समझ में आया फेक फॉलोवर्स लाने से कुछ नहीं होता, कुछ रियल लाइफ में लाओ ऐसा कुछ है। फेक फॉलोवर्स लोग कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोग। खैर ये मैं बोल नहीं सकता, आप खुद पढ़ लेना। और बॉडी बनने से क्या फायदा जब कुछ कर ही नहीं पाते, थगे से पंगा निकलना बहन के मुझे कुछ नहीं पता। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। खैर छोड़ो, अभी रात के लगभग 3 बज रहे हैं, रुको मैं आपको दिखा सकता हूँ, अब देख पा रहे होंगे ये 2:19 बज गए हैं, तो अब टोटली सुबह होने वाली है और मैं अभी तक ये वीडियो सुना रहा हूँ। तो यार मैं बस कुछ खास वीडियो बनाने का लॉजिक था नहीं, तो मैं बस इतना सोच रहा था बहती गंगा में क्यों ना हम भी हाथ धो लें यार। देखो अब ये भाई सब फालतू का सिर्फ बुला लेते हैं, तो खैर इनके लिए भी हम सोचा जोक्स मार के वीडियो ख़त्म करते हैं, वैसे भी काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, वही है। हाँ भाई असली लॉयन तो दो ही है, हम तो चूतिया आए, हम क्या सतेंगे में रहने सारे जानवर चूतिया रहे हैं। अब मैं सोन में छोटे चौंगू, हाँ मैं असली लॉयन, और तू आचन मार के तू ही लॉयन है, और हम जैसे लॉयन और तेरे जैसे लॉयन के साथ जंगल में करते हैं मंगल। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। अब यार ये वीडियो देखने के बाद मुझे सिर्फ ये सोच के बस लग रहा है कि यार प्राचीन के लोग कितने अच्छे हुआ करते थे, कम से कम खेतों में तो जाया करते थे, कहीं तो जाया करते थे, अबे इनके जैसे इंस्टाग्राम में तो नहीं देखते थे। अब यार तुम मैं क्या ही बताऊं यार, अब यार इनको ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा हूँ इनके बम में मार गया वो लकवा, और भाई तो अलग ही कुछ चल रहा है, मानो कोई अदृश्य लबड़ा इनके गांडों को चरम सुख प्रदान कर रहा है। सब बैठने का दुख तो देखो, जैसे मतलब इनके इनके लिए 4-5 गालियां देके इनका मुंह बंद कर देना चाहिए। खैर शेर को शिकार चाहिए, पेट नहीं भरता पास्ते से। अजी शेर को शिकार चाहिए, पेट नहीं भरता पास्ते से। जी हाँ शेर को तो शिकार चाहिए, मन नहीं भरता पास्ते से। अरे शेर को तो चाहिए शिकार, क्योंकि मन नहीं भरता उसका पास्ते से। और चूतिया बोलते रहो इसको जो निकला है गलत रास्ते से। अब यार मैं क्या बताऊं, मैंने देखा खुदा का वास्ता, और पास्ते की बात वो नहीं करते जो करते सुबह शाम टट्टी का नाश्ता। लोग कहते हैं बड़वा साला, मैं भी न जानू।